Hello students, now we are going to read the first type of non-uniform motion, that is uniformly accelerated motion. अब देखो uniform मतलब क्या होता है? Constant, या which is same everywhere. Uniformly accelerated. Accelerated मतलब acceleration क्या है? Constant, है ना? मतलब acceleration constant है, मतलब मैंने कहा कि acceleration है 2 meter per second square. ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया था, है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट में क्या मतलब है कि एवरी सेकेंड द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय 2 meter per second. अगर मैंने कहा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और जस्ट सपोज उसकी वैल्यू 2 है, तो दैट मींस एवरी सेकेंड द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय 2 meter per second. मतलब आप ये कह सकते हो velocity is increasing by equal amount in equal interval of time. भाई हर सेकंड 2 से बढ़ रही है, तो आप सिंपली कह सकते हो velocity is increasing by equal amount in equal interval of time. Now you have to define uniformly accelerated motion. तो पहली चीज क्या हुई? Acceleration is constant and second the velocity increases by or changes by equal amount in equal interval of. तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. पहला पॉइंट आप क्या ले लोगे? एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट एंड सेकेंड पॉइंट इज वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट in equal interval of time. These are the two things that we have to keep in mind. अब बेटा मुझे किसी ने कहा कि इसका velocity time graph बनाओ. कौन सा graph बनाओ? Velocity time graph. वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब अगर मान लो मैंने 2 एक्सेलरेशन ले लिया, ठीक है, ये मैं टेबल बना रहा हूं वेलोसिटी टाइम के, ये टाइम है, सेकंड में ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में. मैं 2 एक्सेलरेशन मान के चल रहा हूं, एक्सेलरेशन 2 है, मतलब हर सेकंड रफ्तार कितनी इंक्रीज होगी? 2. मतलब सपोज टाइम 0 पे रेस्ट पे, टाइम 1 पे वेलोसिटी 2, टाइम 2 पे वेलोसिटी 4, टाइम 3 पर वेलोसिटी 6, टाइम 4 पर वेलोसिटी 8. एवरी सेकंड द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और मैंने बताया था जब भी कोई चीज इक्वल अमाउंट से चेंज हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसका ग्राफ कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस. स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम. आप प्लॉट करके भी देख लो, आपको वही चीज मिलेगी. तो वीटी ग्राफ कैसा मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस. अब किसी ने कहा कि इसी के लिए आप एटी ग्राफ प्लॉट करो. एटी ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करो. छोटा सा हम प्लॉट कर लेते हैं यहां पर. अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज constant. I have told you in my previous lecture, अगर कोई भी चीज constant है time के साथ, तो उसका graph कैसा मिलता है? Straight line parallel to the time axis. कैसा मिलेगा? Straight line parallel to the time axis. So this is all about uniformly accelerated motion. अच्छा एक चीज और बच गई. अब किसी ने बोल दिया कि बेटा इसका dt graph बनाओ. कौन सा graph बनाओ? dt graph. ध्यान रखना वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. चेंज हो रही है मतलब कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ हमेशा कैसा मिलता है? कर्व. अपवर्ड कर्व ये दिखा रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. अगर ऐसे मैंने डाउनवर्ड कर्व मैंने बना दिया होता यहाँ पे, तो मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. तो ये तीनों ग्राफ हो गए.
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्यों मिला ऐसा? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा मिला? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ऐसा क्यों मिला? क्योंकि वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और डीटी ग्राफ कर्व मिला क्यों? बिकॉज डिस्टेंस इज चेंजिंग बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि रफ्तार बढ़ रही है ना, अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा वो। आई होप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज क्लियर टू यू। तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ग्राफ बन के आ जाता है, पूछ लेगा कि कौन सा मोशन है तो आपको बताना पड़ेगा, या मोशन का नाम लिख दिया जाएगा, बोलेगा ग्राफ बनाओ। ठीक, ध्यान देना।